देखिए सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। 23 ये क्वेश्चन नंबर है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग, गेम है वहाँ पे टॉस करा रहे हैं। ए 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये का सिक्का है। थ्री टाइम्स का मतलब 3 बार टॉस करेंगे, 3 टाइम्स टॉस हो रहा है, मतलब सिक्के को एक बार उछाला, फिर उछाला, फिर उछाला, तीनों बार के रिजल्ट देखेंगे क्या आया, पहली बार क्या आया, दूसरी बार क्या आया, तीसरी बार क्या आया, इस तरह। तो देखिए अब, एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जब जीतेगा जब तीनों में सेम रिजल्ट आएगा। सेम रिजल्ट का मतलब क्या आएगा, 3 हेड्स और 3 टेल्स, या तो तीनों में हेड 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 आए 3 बार, या फिर तीनों बार टेल 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 आए। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, जैसे हेड फिर टेल फिर हेड आ गया, तो नहीं जीतेगा। तीनों बार हेड आए और तीनों बार टेल आए, सेम रिजल्ट आए, तो वो विन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हनीफ लूज द गेम यानी कि वो विन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालते हैं हम। ये ध्यान देना है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम समझ में आ गए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखेंगे, देखो हेड हेड हेड, तीनों में हेड हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तीनों में टेल 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 ये भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब दो कंडीशन तो ये हो सकती है, ये जीतने की कंडीशन है इसके। अब एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि दो पे टेल आ जाए, एक पे हेड आ जाए, और या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है, दो पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए। बात समझ ना, 3 बार टॉस हो रहा है ना, ध्यान से समझो यहाँ पे। अब या तो ये कंडीशन हो सकती है कि एक पे टेल हेड हेड आ जाए, और या फिर एक पे हेड टेल टेल आ जाए, ये कंडीशन भी हो सकती है। और या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है, हेड टेल हेड आ जाए, और या फिर टेल हेड टेल आ जाए। यानी कि अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं समझ में आ रही, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी 8 कंडीशंस हो रही हैं इस तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएगा, 8, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम ये लूज द गेम। गेम कब लूज होगा, जब सेम नहीं आएंगे। सेम तो ये 2 ही आ रहा है, तो बाकी ये 6 हैं जो सेम नहीं आ रहा है, तो सेम नहीं आ रहा है, तो अपनी फेवरेबल आउटकम ये होंगे, ये बाकी सारे लिख दो, TTH, ठीक है, फिर HHT और THH, HTT, HTH और THT, यानी कि ये 6 कंडीशंस होंगे, यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम 6 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फार्मूला नहीं लिख रहा मैं, इसका फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितना है, 6, टोटल नंबर आउटकम कितना, 8, ये आ गया। इसको कैंसिल कर लो, 2 3 6, 2 4 8, 3/4 इसका प्रॉबिलिटी आ गई। तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए।